हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। आज के एपिसोड में हम लोग ट्रेलर रिव्यू करेंगे ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी फाइटर को लेकर। फ्रेंड, फाइटर ट्रेलर को अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वह लिटली है वाओ। यस फ्रेंड्स, वाओ का वर्ड आपके मुंह से निकलेगा जब आप फाइटर का ट्रेलर देखेंगे। आप एक एक चीज उठा के ट्रेलर की देख लें, 3 मिनट में आपको इतनी ज्यादा एंटरटेनमेंट मेकर्स दे रहे हैं कि लिटली आपका जो वेट है 25th of January की, ताकि आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देख सके फाइटर मूवी का, वो और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। फ्रेंड, काफ़ी जो नेगेटिव लोग हैं जो ट्रेलर से पहले ये रूमर्स पिला रहे थे कि फाइटर मूवी की स्टोरी लाइन बिल्कुल डल है, इसमें आपको सिर्फ जहाज दिखाई देंगे, तो उनके मुंह पे भी आज एक करारा चांटा पड़ गया है कि हमें अंदाजा हो गया ट्रेलर से कि फाइटर की स्टोरी बहुत बड़ी है, इन डेप्थ स्टोरी है, जिसमें आपको पेट्रियाटिज्म भी दिखाई देगा, एक लव एंगल भी दिखाई देगा, एक सोल्जर के जो इमोशंस होते हैं, जो फैमिली अटैचमेंट होती है वो भी आपको दिखाई देगा, और जो जो सोल्जर्स के सेक्रीफाइस होते हैं अपने कंट्री के लिए वो भी आपको लिटली दिखाई देगा। एंड बात करें इसके VFX की, तो टॉप नॉच VFX आपको ट्रेलर में देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया VFX। ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने अच्छा खासा टाइम भी लगाया है VFX के लिए और अच्छा खासा पैसा भी लगाया है, क्योंकि अगर ऐसी मूवीज का VFX अच्छा ना हो तो उनका हाल भी फिर तेजस मूवी जैसा होता है, जो कि कंगना रनौत की लास्ट मूवी थी। फ्रेंड, आपने एक चीज नोट की होगी कि ट्रेलर में जितने भी हमें डायलॉग्स या जितनी भी कन्वर्सेशन आपस में सुनने को मिली हैं वो टॉप नॉच डायलॉग्स बिल्कुल हैं, क्योंकि आप देख लें हर सिचुएशन के मुताबिक बहुत ही बढ़िया डायलॉग आ रहा है। अगर रोमांटिक डायलॉग आ रहा है दीपिका और रीति के बीच में, वो बहुत बढ़िया है। अनिल कपूर साहब जब बाकियों को एक्सप्लेन कर रहे हैं पेट्रियटिज्म के बारे में बता रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से डायलॉग्स लिखे गए हैं। एक्शन का हमें पता ही है, ऋतिक रोशन साहब मास्टर हैं। दीपिका पादुकोण की भी लास्ट मूवी पठान बिल्कुल उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्शन किया था, तो टिपिकल एक सिद्धार्थ आनंद का फ्लेवर भी आपको इस ट्रेलर में दिखाई देगा। फ्रेंड, यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं कि ट्रेलर में थोड़ा सा दिखाना चाहिए स्टोरी लाइन या ट्रेलर में ज़्यादा दिखाना चाहिए। आप रिसेंट एग्जाम्पल्स उठा के देख लें, एनिमल की, डंगी की और सलार की। एनिमल का ट्रेलर बहुत ज़्यादा क्लिक कर गया था, काफ़ी बढ़िया ट्रेलर था। यही कारण है कि एनिमल का बस लास्ट वीक में एकदम सबसे ज़्यादा उठ गया था, और एनिमल का डे वन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी सलार और डंगी से ज़्यादा था। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेलर में थोड़ी स्टोरी लाइन कम बताएंगे तो वो आपका बस नहीं बनेगा, आपका डे वन का कलेक्शन नहीं आएगा, तो इसी वजह से ट्रेलर में आपको थोड़ी सी स्टोरी लाइन दिखानी पड़ती है। काफ़ी नेगेटिव लोग यहाँ भी कहेंगे कि सारी स्टोरी बता दी, तो ऐसा कभी नहीं होता। स्टोरी में आपको सिर्फ 5-10% बताई गई होगी ट्रेलर में, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। लेट्स सी फ्रेंड्स, आप देखेंगे इस बढ़िया ट्रेलर के बाद फाइटर का जो बस है, फाइटर की जो एडवांस बुकिंग है, वो लिटरली आसमान फाड़ के आगे निकल जाएगी। तो फ्रेंड, बॉलीवुड क्रेज की तरफ से फाइटर के ट्रेलर को वेल डिजर्व 4.5 stars। हम विश करते हैं कि मूवी भी इसी तरह बढ़िया हो, ताकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत बढ़िया आ सके इस मूवी के। क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।